अस्सलाम वालेकुम पाकविलर्स, क्या हाल चाल हैं? आज मेरे साथ मौजूद हैं जुहेब भाई और हम जो हैं वो आपको याद होगा कुछ अरसे पहले, बल्कि काफ़ी अरसे पहले हमने बाई चैनल पे जो है वो वेस्पाज हम लेके गए थे अंदरून शहर। तो आज माशाल्लाह से जो है आज हमने एक और चीज़ ट्राई कर रहे हैं कि सुपर बाइक्स को हम लेकर जा रहे हैं अंदरून शहर। ठीक है, अब वो कितना अंदरून शहर है वो जुहेब भाई और बाकी बाइकर्स भी जो है वो करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो जुहेब भाई बताएं कि कौन कौन से आज बाइक आए हुए और कौन कौन से राइडर्स आ जाए। माशाल्लाह, सबसे पहले बेराम भाई से स्टार्ट करते हैं। ये आज 500 सीसी पे आए हुए हैं बनाली के, और क्रूजर कैटेगरी में आ जाता है। भाई क्रूजर कुछ भी कह ले, मेरा अपना भाई CBR RRR 1.5 करोड़ के उसके बाद हमारे पास 636 है, वेरी ब्यूटीफुल कलर स्कीम, और कावासाकी की जो है ये KRT कलर स्कीम भी बोली जाती है, उनका जो फ्लैगशिप थीम होती है। उसके अलावा एक और 636 है, ये गालबन 1516 मॉडल है और वो 13 है। इसके बाद कावासाकी निंजा H2, ये H2 थोड़ा सा स्पेशल है कि इसमें इसका इंजन मॉडिफाइड है, इसके इंजन में H2R की एक्सेसरीज डली हुई हैं, सुपर चार्जर की गियर्स बड़ी हैं, कैमरा H2R का डला हुआ, इंटरकूलर डला हुआ और इसमें वो H2R वाले विंग्स वगैरह सब। हाँ, जो H2R के विंग्स होते हैं, विंगलेट ऊपर वाले, नीचे वाले, और नीचे वाले विंगलेट ऊपर वाले विंग्स वो भी लगे हैं सारे, और कार्बन की बहुत सारी एक्सेसरीज लगी हैं इस पे। फिर हमारे पास जिक्सर 600 है आज, और अहमद भाई रह गए हैं। हाँ, अहमद भाई का वेट हो रहा है। अब अहमद भाई के पास है 3 बाइक्स, अब पता नहीं वो किस पे आते हैं। उनके पास H2 है, BM है और ZX10R है 2021 मॉडल, और बस उन्हीं का वेट हो रहा है, सिर्फ अहमद भाई रह गए। लो जी, अहमद भाई लगता है। अहमद भाई, ये क्या बात हुई? गुरिल्ला, ऊपर से नाम भी देखे। ये क्या है भाई, आपने मेरी बातों को सीरियस तो नहीं ले लिया कि होंडा वर्सेस होंडा ड्रैग होगा? अस्सलाम वालेकुम, क्या होगा जी? होंडा CBR RRR और ये 4R, यस, टेट्रा R। तो ये है क्या? ये तो पहले, ये क्या चीज है भाई? ये जब आप डेढ़ माह के लिए बाहर गए थे, डेढ़ माह के लिए भी आप गए थे बाहर, तो ये पीछे 2 बाइक्स कटिंग छोड़ गए थे। मैंने कहा सब अपने सुपर बाइक्स पे आ रहे हैं, एक तो सारे कॉन्शियस थे मैं किस बाइक पे आता हूँ। हाँ, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस पे जाके सबको हैरान परेशान कर देंगे। नहीं, आपने हैरान परेशान तो कर दिया माशाल्लाह, आज आपको पकड़ेगा नहीं कोई। मतलब कि मैं सोच रहा था, मैं सबसे स्लोस्ट हूंगा। हाँ, बट नहीं, अब होगा पता क्या, इसको हम सबसे आगे रखेंगे, बाकी हम सब पीछे चलेंगे। ये जरा भाई, है क्या चीज़ ये, जरा थोड़ा बताएं। इसका मंकी बाइक, और मैंने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की, उसके बाद मैंने खुद ही अपनी इंपोर्ट कर ली, और इसके 110 cc है। अच्छा, ऐसा तो नहीं अहमद भाई कि आप इधर आ गए और पीछे आपका बेटा ढूंढ रहा हो कि मेरी बाइक कहाँ बाबा ले गए? नहीं नहीं, इससे पहले और गर्मी हो तो जगह डिसाइड करते हैं। जगह डिसाइड करते हैं जी, बताएं कहाँ जाना है अंदरून में, कोई जगह बताएं, कोई अच्छी सी निहारी हो जानी चाहिए, लाहौर की सबसे बेस्ट निहारी है। आप निहारी खान गए, विराम भाई आप बताएं। निहारी मैं एग्री करता हूँ, नहरी एग्री करते हैं। आ जाएं जी, आगे आते हैं, आगे भाइयों से पूछते हैं, अंदरून में कौन सा नाश्ता करना चाहते हैं, क्या खाना जा रहे हैं आज? डबरोटी जैम खाना है अंदरून में जाके। वो मैं आपको यहीं पे खिलाता हूँ, जहाँ भी आप ले जाएंगे, जहाँ भी मैं ले जाऊंगा, देख ले, सोच ले, ये मान गए, जहाँ पे हमें पाकविल ले जाए। अच्छा, चले ठीक है, आपके साथ वहाँ पे भी भाई करे, उनसे भी पूछ लेते हैं। गाइस जल्दी जल्दी बताए, अंदरून में किस जगह पे नाश्ता? No plans, जहाँ भी हम ले जाएंगे। एना सारे नूं गल के अज कितें लै जांदे आ। बाउसली मटन चले। बारिश नहीं आ रही। बारिश नहीं। बाउसली मटन। अनारकली वाली। हाँ जी। गुड ऑप्शन यार। गुड ऑप्शन। बाउसली मटन चले। मटन चले। ये भी अच्छी ऑप्शन है। चले आए फिर साथ भाई रह गए। साथ भाई किधर जाएंगे? अंदरून के अंदर कोई जगह बताएं। ना सिर्फ बोंग का है। 3-4 बंदों ने निहारी का है, इन्होंने बोंग का है, उन्होंने चने का है। बारिश नहीं आ रही। बारिश नहीं आ रही। आप भी वही अनारकली वाली। या। ओके डन। ज्यादा वो कुछ निहारी को थे और कुछ वारिस निहारी को हैं, तो हम चले चलते हैं वारिस निहारी नारकली आपको आज जगा देगा।
मैंने कहा कि वो जो सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक है यहाँ पे, मैं हमने कहा उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लें, तो सर गर्म तो नहीं हुई अभी तक? मीटर लॉक कर दिया मैंने, मीटर लॉक कर दिया, जुड़ने की कोशिश की है, तो आई होप सो जुड़ पा रहा हूँ। तो होंडा वर्सेस होंडा जो ड्रैग रेस होनी थी इसने सबको हरा दिया, इसने कावासाकी को भी हरा दिया अभी आते हुए। तो वैसे अभी क्या सही चल रही है और क्या ये टॉप स्पीड अभी तक कर रही है? मेरे ख्याल से 120 है, पर 100 तक जाके ये फंस जाती है, फंस जाती है। ठीक है, तो जो भाई थोड़ा सा गाइड कर दें कि रूट अब क्या ले रहे हैं। किनाल पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, तो अब यहाँ से हम किस तरफ? ऑफिस से तो निकल के हम इधर आगे किनाल पे, अब यहाँ से हम मुस्लिम टाउन मोड़ की तरफ बाई किनाल हम जाएंगे अप टू माल। ठीक है, माल के अंडरपास से हम ऊपर से टर्न कर लेंगे लेफ्ट साइड पे माल को, और फिर सीधा रोड आगे अनारकली की तरफ। बिल्कुल ठीक है, तो अभी जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से पूरी राइड में किसी को भी मसला नहीं होगा, ठीक है किसी को भी मसला नहीं होगा, बट जब हम पहुंचेंगे ना, जब वो थोड़ी सी तंग गलियां होंगी, तो मेरे ख्याल से जोएब भाई का जो बाइक है और जो भाई H2 लेकर आए हैं वो सबसे ज्यादा उसने हीट मारनी है। हीट तो मारेंगे पर मैनूवरेबिलिटी ओके है, मतलब वो फंसेंगे नहीं कहीं। सही है, क्योंकि मैं पहले 21 Tenor भी ऑन किया था, उसके बाद मैं होंडा पे आया हूँ, इन बिटवीन H2 भी रखा है, तो ZX10R के बाद अगर किसी को मनूवर करने का मजा है ना, तो ये बाइक इसको है। होंडा वो एंड है मनूवरेबिलिटी में ना, ये बाइक एंड है। पीछे जो है वो सबसे हमारे जो मेन अट्रैक्शन है आज, उसके भी फोटो सेशन हो रहा है सारा, सारी अट्रैक्शन ये बनी हुई है, आप सबकी ये 1.5 करोड़ की बाइक के साइड पे है। हाँ जी, इन्होंने सबको जो है ना वो आज हैरान और परेशान कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही ले जी, अब हम चलने लगे हैं, और अब अहमद भाई वर्सेस जुहेब भाई, टेट्रा आर वर्सेस ट्रिपल आर, सुपर आर, सुपर आर। बिराम भाई मजा करेंगे क्योंकि हमारे तीनों जो है वो ड्रॉ हो गए, ना मैं आगे जा सका ना वो आगे जा सका। निहारी जो है वो सर्व हो गई है, और अब हम जो है जितनी कैलोरीज बाइंड की थी उतनी ही कैलोरीज जो है उस बल्कि से डबल ट्रिपल जो है वो इंटेक करने लगे। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, तो मुझे मैंने इससे अच्छी बेहतर निहारी खाई हुई है, और PIA रोड पे भी एक वारिस निहारी है उसकी, इससे बहुत बेहतर है, तो मैं इसको दूंगा 6 out of 10। बेराम भाई आप बताएं रेटिंग क्या? यार मैं जोएब भाई की रेटिंग से 100% एग्री करता हूँ, इससे बेहतर खाई है यहाँ तो आज इनका टेस्ट नहीं है। हाँ। क्योंकि बाकी उन्हें तारीफ की थी, होता है समडे के आप नहीं अच्छा होता, बिल्कुल तो आज का दिन बिल्कुल नहीं अच्छा। हाँ, जेन्युइन मैं इस बात से एग्री करता हूँ। आपको भाई देखने में कैसे लगी, क्योंकि आपने खाई? मुझे देखने में कोई खास नहीं लगी क्योंकि मैंने खाई भी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। देखने के लिए 4 नहीं जी, वकार भाई यहाँ से गुजर रहे थे, हमने इनको पकड़ा, पहले तो हेजिटेट कर रहे थे, हमने कहा यार ऐसी कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं पूछने लगे, वी जस्ट वांट टू नो कि आपको कितना नॉलेज है और आप क्या जानते हैं बाइक के बारे में। तो वकार भी मुझे ये बताएं आपके पास बाइक कौन सी है पहले ये बताएं। मेरे पास 125 125 है, वेरी गुड। स्पार्टर तो नहीं है? नहीं। आपको इन सब में से सबसे अच्छी बाइक कौन सी लग रही है? यार ये कावासाकी, ये निंजा जो है। अच्छा, ये निंजा अच्छी लग रही है आपको, चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये है कावासाकी निंजा ZX6R 636cc। तो आप मुझे ये बताइएगा आपके मुताबिक इसकी क्या प्राइस है? ये 2014 मॉडल है, 14 मॉडल है, ये 3 मिलियन के आसपास होगा। नॉलेज थोड़ा बहुत आपका अच्छा है यार। जिक्सर 600 2012 या 13 है, इसकी क्या प्राइस है? सुजुकी जिक्सर है। ये जिक्सर होगी यार 1.235 के पास। नहीं, प्राइस बढ़ गई है, ये भी 3 मिलियन के पास क्रॉस करती है। क्या ये कौन सी है? ये भी कावासाकी निंजा H2 है। वेरी नाइस यार, आप कह रहे हो कुछ पता नहीं, और शिपाटर भाई नहीं है भाई ये। तो इसकी क्या प्राइस होगी?
ये है यार 8 मिलियन से ऊपर ही है। गलत बंदा पकड़ लिया, सब पता है इसको। लास्ट बट लास्ट बस नॉट द लीस्ट, इसकी प्राइस गेस करें क्या होगी? ये इसका मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं पता। 110 cc है। 110 cc है ये होगी कोई, अगर शुकीन के शुकीन ने किसी ने बनाई है कोई 2-3 लाख रुपए के दरमियान। टमाटर नहीं है भाई, टमाटर नहीं है। सब पता था उसको, लेकिन नहीं पता होगा, सब पता उसको। सर वालेकुम सलाम, इनमें आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी है? H2. नहीं यार H2 भी है, वो वाली भी अच्छी है माशाल्लाह, जो देखें एक से बढ़ के एक है। अच्छा जी, ये वाली भी बहुत खूबसूरत है, वो वाली भी है, वो GXR जो है। और मैंने जब एक हैवी बाइक पे राइड ली थी, मैं तो काफ़ी देर से उसका फैन हूँ, लेकिन इनमें से अगर कौन सी मैंने सिलेक्ट करनी हो तो यार ये वाली ज़रा करीब से देखें, इससे आगे मैंने नहीं देखा। ये S2 है और इसके इसका अगला मॉडल एक है S2R। सबसे अच्छी पहले सबसे बताइए कौन सी बाइक लग रही है? होंडा CBR ट्रिपल आर। अच्छा, इसमें सबसे में सबसे अच्छी कौन सी लग रही है? निंजा H2। आज का जो है वो राइड और नाश्ते का प्लान जो है वो कंक्लूड करते हैं। अच्छा, नाश्ते ने तो मेरे ख्याल से जो नए पहली दफ़ा खाने आए थे उनको डिसअपॉइंट किया। हाँ, बट राइड को वो करते हैं कि मतलब कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, एक 1000 cc बाइक चलें, एक सुपर 1000 से हम बात नहीं पूछते, बट 1000 cc बाइक इन गलियों में सब कुछ किस तरह था? आना है तो अर्ली मॉर्निंग आएँ और वेदर अच्छा हो तो तब आएँ, क्योंकि नॉर्मली जो ट्यून बाइक्स हैं स्पेशली वो उनके लिए थोड़ा सा अनजस्टिस हो जाता है। लेकिन गलियाँ इतनी मुश्किल नहीं है, सुबह के टाइम आपको दुकानें बंद मिलेंगी, रश नहीं होगा, और वैसे ये बाइक एन इंजन वाली बाइक ईजी टू मनूवर होती है। आप आएँ सुबह के टाइम, आएँ इन्जॉय करें और आना ज़रूर चाहिए लाइफ में एक दो ज़रूर है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बाइक वाले बहुत फन राइड। मेरे ख्याल से हम रन्स और ड्रैग्स के चक्करों में इतना पड़ चुके हुए थे कि हमें एम्प्टी रोड्स की जरूरत होती थी, जिसके लिए हम बजट के बाहर निकलते थे। वो कर करके ना मेरे ख्याल से एक रूटीन आपने चेंज कर दिया है, थैंक्स टू यू गाइस, कि आपने हमें एक नाश्ते वाली राइड करवा दी है, जो अंदरून शहर भी देख लिया और सुपर बाइक्स जो टूंड सुपर टूंड बाइक जो है यहाँ पे लाना नामुमकिन काम है, वो हम यहाँ पे ले आए और अमंग दीज ब्यूटीफुल रोड्स ऑफ लाहौर हमने नाश्ता कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जो वो एक तरह के स्ट्रीट क्रूजर चला रहा था, मैं सबसे ज्यादा आराम से मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एंजॉय इसने। हाँ, इस बाइक के पास जो है ना सेकंड ये है होंडा गोरिल्ला, ठीक है। इस बाइक के पास सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय किया है बनेली पे, ठीक है। बड़ा परफेक्ट उसकी पावर, बड़ी एक होता है ना बैलेंस है इस चीज के लिए, इस काम के लिए। मेरे ख्याल से गर्मी हो सर्दी हो तो जो भी हो, आप इस बनेली पे बड़े आराम से जो है ना इधर आके आप किसी भी वक्त आ सकते हो, इवन के रश भी नहीं। बट अब वापसी में जो है ना वो हमें रश में लेगा, ठीक है। और वापसी में मैंने वादा किया, मैंने कि इनमें से मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, अब ये अपनी स्पीड लिमिट पे ही जाए। वापसी पे अहमद भाई को कोई नज़र नहीं आएगा। हाँ, कोई नज़र नहीं आएगा। पता चले अहमद भाई में किसी को नज़र नहीं आ रहे, अहमद भाई ने किसी की ना वो डाले के अंदर रखी हुई ना ताटी ऐसी तरह। नहीं, ये अपनी स्विक लेके आए, इसने तो स्विक की डिग्गी में भी आ जाना। बिल्कुल ऐसे ही। तो व्यूवर्स, ये था आज का व्लॉग और होपफुली आपको पसंद आया होगा। कोशिश करेंगे कि जोहेब भाई और अहमद भाई के साथ इस तरह के और व्लॉग्स करें और डिफरेंट राइड्स प्लान करके आप लोगों के लेकर आए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।